नमस्कार दोस्तों, दुर्गापुर बंगाल का एक इंडस्ट्रियल सिटी जो कोलकाता, आसनसोल और सिलीगुड़ी के बाद बंगाल का चौथा सबसे बड़ा शहर है। आज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक से एक खूबसूरत खूबसूरत एक से एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्च कर रही है और एक से एक नए नए खूबसूरत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाकर पूरा भी कर रही है। ऐसे में देखते हैं कि बंगाल का इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाने वाले दुर्गापुर में कौन कौन से नए नए प्रोजेक्ट पर काम हो रहे हैं, कौन कौन से नए नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दुर्गापुर की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है दुर्गापुर एक्सप्रेसवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। NHAI द्वारा प्रपोज किया गया प्रोजेक्ट 4 लेन से 6 लेन के रूप में विकसित किया जाना है, क्योंकि दुर्गापुर एक्सप्रेसवे न सिर्फ दुर्गापुर के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे बंगाल रीजन के लिए, झारखंड के लिए, बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड और बिहार से हजारों लोग यहां पर ट्रैवल करते हैं, लाखों लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, जिसके वजह से यहां पर ट्रैफिक बनी रहती है। और इसी ट्रैफिक को निजात पाने के लिए ही NHAI द्वारा इसे 4 लेन से 6 लेन के रूप में विकसित करेगी। यह एक्सप्रेसवे की महत्व भी ज्यादा है क्योंकि यह एक्सप्रेसवे दुर्गापुर आसनसोल इंडस्ट्रियल बेल्ट का हिस्सा है, इसीलिए यह प्रोजेक्ट और भी जरूरी हो जाता है और इसीलिए इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन के रूप में अपग्रेड किया जाना है। पूरा एक्सप्रेसवे 130 किलोमीटर लंबा है जिसे एक्सपेंशन किया जाना है, जिसमें 3 साल का समय लग सकता है। ऐसे में देखना होगा कि यह दुर्गापुर एक्सप्रेसवे जिसे 4 लेन से 6 लेन के रूप में विकसित किया जाना है वो कब तक विकसित हो पाता है, 3 साल में विकसित होता है या फिर नहीं होता है। दुर्गापुर की दूसरी सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है अंदल एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। आज हम देख पा रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत के अलग अलग हिस्सों में नए नए एयरपोर्ट्स को बना रही है, नए नए टर्मिनल्स को बना रही है, नए नए एविएशन सेंटर्स को बना रही है, और ऐसे ही करते करते उड़ान के तहत पूरे देश भर में जितने भी छोटे बड़े एयरपोर्ट है उसे एक्सपेंशन करके एक दूसरे से लिंक कर रही है। और उन्हीं में से एक है अंदल का एयरपोर्ट जिसे काजी नजरुल असलम एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक छोटा सा एयरपोर्ट है जिसे एक्सपेंशन करके इसे डोमेस्टिक लेवल के रूप में तैयार किया जाना है, जिसके लिए 650 एकड़ जमीन में तैयार किया जाना है। आने वाले समय में इसे 650 एकड़ तक डेवलप किया जाना है, जिसके लिए तकरीबन 600 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए जाना है। एयरपोर्ट को बहुत ही आधुनिक और वर्ल्ड क्लास के रूप में बनाया जाना है, जहाँ पर आपको सभी तरह के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न फैसिलिटी और सभी तरह के जरूरी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होगी। ऐसे में देखना होगा कि यह काजी नजरुल असलम एयरपोर्ट वो कब तक बनकर तैयार होती है, कब तक पूरी तरह से रेनोवेशन हो पाती है। दुर्गापुर का तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है हल्दिया दुर्गापुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। 43 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बंगाल की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में से विकसित कर रही है, जहां पर ना सिर्फ रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि कई सारे स्टार्टअप भी शुरू होंगे। इसे बहुत ही आधुनिक और विश्व स्तरीय के रूप में बनाया जाना है ताकि बंगाल की जो भी बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म हो सके और बंगाल की इकोनॉमी बूस्ट हो सके। बताया जाता है कि यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के बाद बंगाल के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में जाना जाएगा, जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसमें देखना होगा कि 43,000 करोड़ कब तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है और इस 43,000 करोड़ में कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए जाएंगे, कौन कौन से नए नए फैक्ट्रीज और कौन कौन से इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगाए जाएंगे, देखना जरूरी होगा। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट की ओर, जिसका नाम है वाराणसी दुर्गापुर कोलकाता बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। हम सभी आज के डेट में देख पा रहे हैं कि हमारे भारत में डायमंड क्वाड्रिलेटर के तहत अलग अलग रूट्स में मेट्रो प्रोजेक्ट को प्रपोज कर रही है। वहीं आज के डेट में मुंबई और अहमदाबाद के बीच में काफ़ी तेजी से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम भी हो रहा है, जिसे 2026 तक ऑपरेशनल भी किया जाना है। और ऐसे ही करते करते अलग अलग रूट्स पर बनाया जाना, उन्हीं में से एक है वाराणसी कोलकाता हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत एक दुर्गापुर में भी स्टेशन बनाई जाएगी, जिसके वजह से दुर्गापुर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे, कई सारे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे और ये पूरा एरिया एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा, जहाँ पे कई सारे हजारों लोगों को जॉब्स भी मिलेगी। हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी नहीं बल्कि 2050 तक बनकर तैयार होने का उम्मीद है। ऐसे में ये अभी बात करना बिल्कुल मतलब नहीं निकलता है, लेकिन हाँ सरकार से प्रपोज करिए, प्लान करिए, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल रीजन में दुर्गापुर को भी कनेक्ट करेगी और दुर्गापुर के रास्ते ही इसे ले जाया जाना है, इसीलिए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बंगाल रीजन में दुर्गापुर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत मालगाड़ी की ढुलाई और जो पैसेंजर ट्रेन है दोनों ही सेपरेटली अलग अलग रूट्स पर चलेगी, जिससे ना सिर्फ ट्रैफिक कम होगी बल्कि इकोनॉमी भी काफ़ी तेज़ी से बूस्ट होगी। पूरा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तकरीबन 1839 किलोमीटर लंबा है, इसे लगभग लगभग बनाकर पूरा भी कर लिया गया। हालांकि अभी बंगाल रीजन में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुए क्योंकि वहां के गवर्नमेंट की वजह से और जमीन अधिग्रहण ना होने की वजह से वहां पे काम रुका हुआ, बट हाँ यूपी रीजन में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। वहीं दुर्गापुर का नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट है थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट। दुर्गापुर में बनाया जा रहा थर्मल प्लांट
तीन फेस में तीन अलग अलग नोड्स में बनाया जाना है, जो तकरीबन 20 मेगावाट की होगी। पहला नोड 28 एकड़ में होगा, जिसके अंतर्गत 5 मेगावाट को बनाया जाना है। दूसरा नोड 30 एकड़ में होगा, जहां पे 7 मेगावाट को बनाया जाना है। तीसरा नोड 50 एकड़ में होगा, जो कि 8 मेगावाट को तैयार करेगी। और इन तीनों नोड्स को मिलाकर 20 मेगावाट थर्मल प्लांट के रूप में से तैयार किया जाना है, जो कि तकरीबन 800 मिलियन रुपीस के लागत से इसे बनाया जाना है। और रिपोर्ट्स के अनुसार इसे अगले 12 महीने में ही बनाकर पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होते हैं। वैसे इसके अलावा भी आज दुर्गापुर में एक से एक खूबसूरत एक से एक बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, एरोट्रॉपिक प्रोजेक्ट, बैरेज रिपेयर प्रोजेक्ट, सिल्वर सिटी प्रोजेक्ट, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट, सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट, ड्रेनेज सिस्टम को रिपेयर करना, पार्क इत्यादि को बनाया जाना और इन सभी को एक साथ मिलाकर दुर्गापुर स्मार्ट सिटी को तैयार करना शामिल है। ऐसे में आप इस पूरे प्रोजेक्ट को, जो आज के डेट में दुर्गापुर में अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर प्रपोज किए गए, उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन भी दबा लें, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।